आज हम बहुत ही फेमस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, या फिर ऐसे कह लो कि ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, विच इज़ शीट मास्क। शीट मास्क के बारे में हम सबको पता है, आजकल हर एक ब्रांड ने अपना अपना शीट मास्क लॉन्च कर दिया है और बहुत सारे लोग शीट मास्क ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर इन कन्फ्यूज़न कि शीट मास्क सच में काम करते हैं या फिर ये ऐसे ही मनी वेस्ट है हमारा। तो इसके बारे में मैं आज आपको सारा डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो कैसे लगी मेरी नई इंट्रो वीडियो, कमेंट सेक्शन में मुझे आप जरूर बताना। तो हम शीट मास्क की बात करने वाले थे। अलग अलग ब्रांड्स के शीट मास्क आ रहे हैं तो अलग अलग क्लेम भी कर रहे हैं वो कि हमारे शीट मास्क ऐसे काम करते हैं, वैसे काम करते हैं। तो मैं जो आपको यूज़ करके दिखाने वाली हूँ वो है ये वाला गुड वाइब्स का सूथिंग शीट मास्क। तो ये वाला मैं आज यूज़ करूँगी, आप बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट देखोगे। अभी मैंने अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, नो टोनर, नो मॉइस्चराइज़र, कुछ भी नहीं है मेरे फेस पे, मेकअप भी नहीं है। ऑब्वियसली बिना कुछ अप्लाई किए आपको नॉर्मल अपना फेस वॉश करके, और इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि कैसे यूज़ करना है, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि आपको नॉर्मल फेस वॉश करके अपना और डायरेक्टली इसको अप्लाई करना है। अब इसको हम जब निकालेंगे तो ये फुल ऑफ सीरम होता है, मतलब पूरा इसमें सीरम फिल होता है। हमें थोड़ा सा इसको तो इस शीट मास्क को अनफोल्ड करेंगे ना जब हम, तो इसके ऊपर हमारे फेस के अकॉर्डिंग ऐसे बना होता है, आपको पता ही होगा, वैसे तो हमारे फेस के अकॉर्डिंग इसकी शेप बनी होती है। अभी मेरी स्किन ऐसे लग रही है, थोड़ी डल सी है, देखते हैं शीट मास्क यूज़ करने के बाद। वैसे मैंने यूज़ कर रखे हैं बट मैं आपके सामने यूज़ करके दिखाऊंगी कि कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसको हमें डायरेक्टली ऐसे अप्लाई करना है। इसमें जो सीरम होता है ना उसकी वजह से ये जो है हमारी स्किन पे मतलब रिफ़्रेश करता है हमारी स्किन को, और हमारी स्किन से अच्छे से ये ऐसे चिपक भी जाता है, ऐसे कह सकते हैं हम। एक क्वेश्चन मुझे और आता होता है कि लड़के भी यूज़ कर सकते हैं शीट मास्क को। हाँ, लड़के यूज़ कर सकते हैं शीट मास्क को, ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों के लिए है, लड़के भी यूज़ कर सकते हैं, बट ना थोड़ा केयरफुली। मैंने अपने भाई पर ट्राई किया था तो जिन लड़कों की बीएड होती है ना तो वो बीएड पे ऐसे यहाँ से चिपकता नहीं है, तो वो थोड़ा आप ध्यान रखना क्या करना कि ऐसे हाफ कर लेना यूज़, या फिर जब आप क्लीन शेव हो तब यूज़ कर लेना, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि बीएड पे चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा ये। तो यू कैन सी ये पूरा ऐसे ये जो एक्स्ट्रा सीरम है मैं इसको अपने नेक पे लगा लूंगी, जो मेरे हैंड्स पे लगा है। इसको हमें 15-20 मिनट रखना है। इन बिटवीन आप डांस करो, खाना खाओ, गाना गाओ, मोबाइल चलाओ, कुछ भी करो। तो मिलते हैं 15-20 मिनट्स बाद। तो मुझे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं इसको लगाए हुए और मेरी स्किन ने सारा सीरम एब्जॉर्ब कर लिया है। यू कैन सी ये खुद निकलने लग गया बिकॉज जो सीरम था वो सारा स्किन ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब हम इसको निकालेंगे। इसको अब साइड पे रखना है और जो एक्स्ट्रा सीरम है ना इस पे, अब जो सीरम है ना उसको हम ऐसे मसाज कर लेंगे फेस के ऊपर ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। अगर आपको कहीं पे जाना है और आपको लाइक मॉइस्चराइजर वगैरह लगाना है तो आप इसको सिंपल वाटर से वॉश करते कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना फेस 1-2 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दो, ये सीरम लगा रहने दो, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ये सीरम। एंड यू कैन सी विजिबल डिफरेंस, मेरी स्किन ग्लोइंग लग रही है ना आगे से।
आप मेरी वीडियो को बैक करके देख लो, शीट मास्क लगाने से पहले वाली स्किन और अब वाली में थोड़ा फर्क दिखेगा। तो गाइस शीट मास्क सच में काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप गुड वाइब्स का ही लो, आप कोई भी ले लो, ट्राई करके देख लो, बट शीट मास्क सच में काम करते हैं। बिकॉज जो इनमें सीरम होता है ना, वो हमारी स्किन के लिए मतलब हमारी स्किन के अकॉर्डिंग होता है। शीट मास्क भी हमारी स्किन के अकॉर्डिंग आते हैं, ऑयली स्किन के लिए, रफ स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए, तो आप वो ले सकते हो। और हमारी स्किन के अकॉर्डिंग होते हैं, इसलिए वो हमारी स्किन के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं और हमारी स्किन को एक इंस्टेंट ग्लो देते हैं। अगर आपको कहीं पे जाना है बहुत जल्दी में, होना आपके पास टाइम नहीं है फेस पे कुछ भी करने का, बट यू वॉन्ट कि आपकी स्किन ग्लोइंग दिखे और नेचुरल अच्छी दिखे, तो आप शीट मास्क यूज़ कर सकते हो। आपको 10 to 15 minutes रखना है, उसके बाद फेस वॉश करो सिंपल वाटर से और मॉइस्चराइजर अप्लाई करो और आप कहीं भी जा सकते हो। सो ये था आज का शीट मास्क का रिव्यू। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको जानना है कि मैं कौन सी शीट मास्क यूज़ करती हूँ या जो मैंने अभी यूज़ किया था, तो मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। लाइक कर देना वीडियो को, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।